नमस्ते दोस्तों, अंडित गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर, होम्योपैथी के अंदर मैं आज आपको जो हरड होती है, भारतीय हरड, हरड के लिए आयुर्वेद में ये कहा गया है, मेरे को श्लोक पूरा याद तो नहीं, लेकिन उसका तात्पर्य ये होता है कि जो बच्चा होता है उससे माता उसकी रुष्ट हो जाती है, यानी उसको दूध नहीं पिलाती, नाराज हो जाती है, लेकिन हरड कभी नाराज नहीं होती। मतलब ये बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी दवा है और हर किसी के लिए लाभकारी दवा है, ऐसा आयुर्वेद के अंदर है। और त्रिफला का ये एक प्रमुख अंग है, हरड बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे खाक में सो कोस ले जाए। कितने गुण है त्रिफला के, लेकिन हरडे बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे खाक में सो कोस ले जाए। घी और शक्कर, असली गाय का घी कहाँ है? हाँ, तो वो ही हरड जो त्रिफला में पड़ती है आयुर्वेद के अंदर और कहीं शरीर के रोगों को ठीक करती है, उसी हरड से होम्योपैथिक के अंदर जो दवा बनी है वो मैं उसकी स्लाइड सामने करता हूँ। और ये लेने में बहुत आसान और शरीर के पेट के कई रोगों को ठीक करती है। सबसे पहले मैं इसकी स्लाइड आपके सामने करता हूँ, खूब आराम से देखिए। हाँ, इसका होम्योपैथिक में नाम है टर्मिनेलिया चेबुला। हरड को लैटिन में टर्मिनेलिया चेबुला बोलते हैं। इसकी देखिए 3x पोटेंसी भी आती है और 6x पोटेंसी भी आती है, ये डाइल्यूशन में आती है। और अगर ये दोनों नाम मिले तो 30 पोटेंसी सर्वोत्तम है। और खुराक इसकी वो ही है, 5 बूंद आधे कप पानी के अंदर दिन में 3 या 4 बार, 1 महीना लें, 2 महीना लें, जी चाहे जितना लें, इसका साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, बिना कारण न लें। जब आपको जो मैं अभी लक्षण बताऊंगा उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसका प्रयोग करें। अब मैं आपके लिए इसके जो मुख्य मुख्य लक्षण हैं वो मैं आपको, खूब ध्यान से सुनेगा, ये होम्योपैथिक का बहुत प्यारी दवा है जो आयुर्वेद की हरड से होम्योपैथिक के अंदर परिवर्तित हुई है। हाँ, मुख्य इसका जो लक्षण, पहला लक्षण है खूनी बवासीर, दस्त के रोग, पुरानी पेचिश, दस्त के साथ खून, दस्त का बंद हो जाना, पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, पेट में पानी का भरना और स्किन संबंधी रोग, इनमें ये उपयोगी है। इसका जो अगला लक्षण है, रोगी का स्वभाव जो है वो बदला आना, मतलब चेंज होना, बात बात पर गुस्सा होना, अधिक बोलना, अधिक जम्बाई लेना, अधिक मानसिक लक्षण, ये इसके मानसिक, इसके रोगी के लक्षण होते हैं। अगला इसका जो लक्षण है इसके रोगी का, सर के अंदर बार बार चक्कर आना, सूर्य की रोशनी के साथ दर्द व चक्कर आना और बढ़ जाना, हिलने डुलने तथा शरीर को दबाने से अधिक चक्कर आते हैं, तथा ठंडे पानी से नहाने पर शाम के समय सूखी ठंडी हवा में सोने से, ठंडा खाना खाने से रोग में आराम मिलता है। इसका जो अगला लक्षण है, मुंह से अधिक लार टपकती है, ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, ऊपरी जबड़े में रूखापन होता है, मसूड़े जो सूज करके और कठोर हो जाते हैं और मुंह से बदबूदार डकार आती है। इसके रोगी की जीभ, ये जीभ ये मोटी हो जाती है और बीच में से जीभ सूखती रहती है, जीभ की जो नोक है ये
ये नोक, जीभ की जो नोक है उसके ऊपर कत्थई रंग की परत जमती है। इसका जो रोगी होता है उसके ये लक्षण होते हैं, और जीभ के अंदर दर्द होता है और कच्चापन महसूस होता है। इसका अगला लक्षण जो है, ये बहुत प्यारी दवा है, होम्योपैथी के अंदर ये बहुत प्यारा काम करती है, हरड़ से बनी हुई टर्मिनेलिया चेबुला। हाँ, इसका अगला लक्षण, सांस लेने में परेशानी, और उस परेशानी की वजह से इसका जो रोगी होता है वो गहरी सांस लेने की कोशिश करता है, या उसको गहरी सांस लेनी पड़ती है, और सांस भी है जो गर्म रहती है। इसका अगला लक्षण है, यदि रोगी के कमर में ऐसा दर्द जो बैठने से बढ़ता है और लेटने से घटता है, उसमें ये काम करती है। गर्दन के पिछले भाग में दर्द, दाई छाती में दर्द तथा हृदय के आसपास दबाव वाले दर्द महसूस होते हैं, उसको ये फायदा पहुंचाती है। अब ये देखिए, इसका अधिक जो है काम वो दस्त के अंदर, पेट की जो दस्त आती है इस पर बार बार दस्त लगता है, परंतु जब रोगी मल त्याग के लिए जाता है तो मल तेजी के साथ कम मात्रा में या बिल्कुल ही नहीं आता। मल त्याग के समय पसीना आता है, मलाशय में दबाव युक्त दर्द होता है, मलाशय में खुजली महसूस होती है तथा दस्त करते समय दस्त कम तथा दस्त के साथ आँव सफ़ेद रंग की और चिकनी सी ये आती है, पेट फूलने के साथ आमाशय में जलन होती है, मल त्याग के समय कम मात्रा में कठोर मल भी आता है। ये इसके रोगी के दस्त के लक्षण है। इसका जो अगला लक्षण है, इसके रोगी को पेशाब कम आता है और रात को बार बार आता है। इसका अगला लक्षण, ये जो कंधा है कोई सा भी है, इसमें राइट लेफ्ट नहीं लिखा, लिखा है कि कंधे की ऊपर की पेशियों में दर्द, शरीर पे जो खाद खुजली होती है तो वो खुजलाने पर कम होती है, इसमें भी ये दवा काम आती है। अब ये जो नब्ज होती है अपनी जो चलती है, तो इसकी गति तेज होना, कभी धीरे चलना और कभी तेज चलना, और जो नब्ज है वो कठोर होना और वो कमजोर होना, ये भी यानी कि नब्ज से संबंधित हार्ट होता है, तो उसमें भी ये लाभ करती है। कुल मिलाकर के टर्मिनेलिया चेबुला, देखिए मैंने इसका 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल किया, और आज नहीं किया, आज से करीब 30 साल पहले किया, और मैंने कई रोगियों को महीनों तक की दी। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये 3X और 6X में भी आती है। मैंने ऑर्डर दिया तो मैंने 30 पोटेंसी का जयपुर ऑर्डर दिया और 30 पोटेंसी के अंदर ही आई, तो अच्छा काम करती है। आपको पेट संबंधी जो मैंने जितने लक्षण बताए हैं उनके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टर्मिनेलिया चेबुला का बेधड़क होकर के और निश्चिंत होकर के दिन में 3 बार और रोग की बढ़ी हुई अवस्था में 4 बार आधे कप पानी में 5 ड्राफ्ट डाल के आप 1 महीना से 2 महीना लें। और इसके साथ ये नहीं कि आप सब कुछ खाते रहें और ये लेते रहें आप ठीक हो जाएंगे। आपको जो उदर संबंधी रोग है उसके अंदर भारी खाना, गरिष्ठ खाना, बाजार की तली हुई चीज़ें खाना, प्लीज उनमें थोड़ा परहेज करेंगे तो ये आपको दवा बहुत जल्दी ठीक करेगी। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।